तुम जा सकते हो, परंतु उस भूत कृष्ण को एक संदेश मीरा अवश्य दे देना। उस पाखंडी कृष्णा को ये उपहार दे देना। समझ जाएगा, कहना उसको कि उसके पास मेरी एक वस्तु है जो मुझे चाहिए। तुम जा रहे हो, जाओ, परंतु तुम मेरे पास अवश्य आओगे। आना ही होगा, तुमको आना ही होगा। रानी पद्मा, क्या हुआ बात? कुछ भूल गए थे? हाँ मां, मैं आपको बताना भूल गया था कि द्वारका पहुंचने में मुझे विलंब हुआ था, क्योंकि मार्ग में मेरा एक विचित्र घटना से सामना हुआ। तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा सामना किसी विचित्र मनुष्य से हुआ? कौन रख वासुदेव, यही नाम बताया ना उसने, जिसने मेरी भांति वेशभूषा भी धारण कर रखी थी। आप जानते हैं मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपसे क्या छिपाए। परंतु मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो पखंडी आपके रूप में प्रस्तुत होकर सबको भ्रमित कर रहा है, और आप शांत। शांति की आशा में कभी कभी शांत बैठना भी पड़ता है पार। मुझे क्या कि पौंड्रक मेरे नाम का दुरुपयोग करके सबको भ्रमित कर रहा है, परंतु अवसर सबको मिलना चाहिए अपनी भूल सुधारने। वही अवसर जो मैं सबको देता हूँ, वही अवसर जो मैंने शिशुपाल को दिया, वही अवसर जो मैंने कंस मामा को भी दिया। और यदि मनुष्य अपनी भूल ना सुधारे तो उचित समय आने पर उसे अपने कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं पार।